सूर्या को आई लव यू बोलने वाली थी, प्रपोज करने वाली थी। ये पत्रकारों का हाल है। क्या करें, बहुत अच्छा लंका फिल्म की शूटिंग चल रही है बाबा, यहाँ मजा आ रहा है, सब मनोरंजन कर रहे हैं, समोसा खा रहे हैं, लोग लगता माफ हो रहा है भैया, माफ लोग लगता नहीं आ रहे बाबा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सीआईबी इंडिया पर। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पे महाराजा गार्डन है, वाराणसी में महाराजा गार्डन है। यहाँ पे हमारी मुलाकात एक फिल्म की पूरी यूनिट से हो गई, यहाँ पे शूटिंग चल रही है एक फिल्म की जिसका नाम है लंका, उसकी पूरी इंटायर यूनिट मौजूद है, डायरेक्टर मौजूद है, प्रीतम जी मौजूद हैं, गोपी सेठ मौजूद हैं, फिल्म के अभिनेता हैं, अभिनेत्री मोना सोनी मौजूद हैं। इन सभी लोगों से बातचीत करेंगे, इस फिल्म के बारे में बातचीत करेंगे, क्या कहानी है, क्या लगता है उनको आगे आने वाले भविष्य में, जो उनकी फिल्म है कितना कामयाब हो पाएगी, किस तरह का व्यवसाय कर पाएगी, तो इन सब चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो देर ना करते हुए, क्योंकि यहाँ पे पूरी टीम मौजूद है, वही जानते हैं इसके बारे में, तो उन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग डायरेक्टर से बात करेंगे इस फिल्म के, और जानेंगे उनसे कि क्या सोच है उनकी इस फिल्म को बनाने के पीछे, क्या सोच करके इस फिल्म को बना रहे हैं, कहानी कैसी है और कितना कारगर साबित होगी भोजपुरी फिल्मों की दुनिया में ये फिल्म। मेरा नाम है रामसेवक यादव। रामसेवक जी, ये फिल्म का नाम लंका रखने के पीछे क्या वजह है? लंका जो है एक विलेन है जो लंकेश, उसका नाम है। अच्छा, फिल्म में विलेन जो है वो लंकेश? हाँ, गर्जन सिंह लंकेश, और वो अपना साम्राज्य और अपना हवेली बनाए हुए हैं, उनके हवेली का नाम है लंका। हवेली का नाम है लंका, उसी पे ये लंका फिल्म बन रही है। तो बेसिकली आप लोग ये वाराणसी में ही शूट कर रहे हैं या कहीं बाहर भी कर रहे हैं? पूरा वाराणसी में जी। फिल्म की पटकथा किस तरह की है, कैसी कहानी, इसमें क्या देखने को मिलेगा दर्शकों को? फिल्म की कथा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से भी कुछ रिलेटेड है, कुछ इंस्पायर्ड है, और सच्चाई के जो है जंग है एक तरह से, मतलब बुराई के खिलाफ लड़ाई है। अब तक आपने कितनी फिल्में डायरेक्ट की होंगी? अभी हमारी तीसरी मूवी है। ये तीसरी मूवी है। क्या लगता है जिस तरह से भोजपुरी फिल्में बन रही हैं, एक से बढ़कर एक स्टार हैं, पवन सिंह हैं, दिनेश लाल यादव जी हैं, खेसारी लाल जी हैं, तो आप एक नई यूनिट के साथ काम कर रहे हैं, इसमें उस तरह की स्टार कास्ट नहीं है, काफी हाई जो प्रोफाइल होती है भोजपुरी फिल्मों की कास्ट, उस तरह की कास्ट नहीं है, क्या लगता है आप नए लोगों के साथ मिलकर के कौन सा चमत्कार करेंगे? नए लोग ही नया काम करते हैं। भाई अब पवन सिंह, खेसारी, दिनेश को तो आप रोज देख रहे हैं, और हमको लगता है कि 90% लोग भीग गए हैं, मतलब उनका अब लगता है कि अरे यार वही खेसारी, वही पवन, वही दिनेश, और हमारा मतलब ये विश्वास है। हम भी करीब कुछ दिन पहले हमारा जो एल्बम आया था, हमारे बहुत सारे एल्बम भी हिट हैं। अच्छा। तो हमने उस समय भी एक नए लड़के को हिट किया। कोई एक हिट एल्बम का नाम बताएं? नीरव की लव स्टोरी। नीरव की लव स्टोरी, हाँ, और उस समय भी वो लड़का नया था और वो हिट हुआ, बहुत हिट हुआ, सब लोग जानते हैं जिसको। तो क्या लगता है फिल्म धमाल करेगी? हाँ, धमाल करेगी, पूरी कमर्शियल फिल्म है, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी इसमें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हाँ, आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक वो बताया कि इसमें कुछ पार्ट है जो एक मैसेज देगा, तो हम दूसरे लोग से बात करें उससे पहले बेटी से ही बात कर लेते ना, इस कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई सबसे महत्वपूर्ण आपकी फिल्म की अदाकारा से। मोना, स्वागत है आपका। जी, मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो लंका मूवी है, पहले तो अपने बारे में बताइए। मैं मोना सोनी हूँ जी, मेरी फर्स्ट मूवी है। कहाँ की रहने वाली? जी, मैं यहीं की रहने वाली हूँ, बनारस की ही जी। और ये जो मेरी मूवी है, ये मेरी फर्स्ट मूवी है, जो कि मैं चाहती हूँ दर्शक लोग देखें इसे और पसंद करें, क्योंकि हम नए लोग हैं और हम भी चाहते हैं कि मार्केट में आए और नाम हो। कितना सहज है एक्टिंग करते वक्त, कितना सहज रहती है? क्या डायरेक्टर साहब डांट आपको डांटते हैं? डांटते हैं तो वो मेरे लिए डांटते हैं सर, कि मैं काम अच्छा करूँ, कि पब्लिक को काम अच्छा लगे, क्योंकि पब्लिक मुझे देखेगी ना कि डायरेक्टर साहब को, तो वो मेरा काम है, इसलिए मुझे डायरेक्टर साहब डांटते हैं। सब कहते हैं वैसा करना पड़ता है, करना पड़ता है जी। चाहे 20 बार अगर उन्होंने बोला रीटेक 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 तो करना पड़ता है, करना पड़ता है। हाँ सर, क्या लगता है आपको, क्या ख्वाहिशें हैं आपकी, कितना आगे तक जाना चाहते हैं? सर, आगे जाना है मुझे, एक नाम हो मेरा भी, कि नहीं लोग मुझे जाने कि है कोई एक्टर, एक नाम हो मेरा मुझे भी जाने कोई। बात करते हैं गोपी सेठ से, जो इस फिल्म के हीरो हैं, अभिनेता हैं इस फिल्म के, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या उनकी ये पहली मूवी है या उसके पहले भी उन्होंने फिल्मों में काम किया है। गोपी जी, स्वागत है आपका। जी, आपका भी स्वागत है। क्या आपका ये पहला मूवी है आपकी? जी जी, पहली मूवी जी, ये पहली मूवी। तो इसमें किस तरह का किरदार है आपका? मेरा इस फिल्म में सूर्या जैसे है, सिंघम का।
जैसे सूर्या सिंघम, उतने हम बड़े एक्टर नहीं है, एक छोटे से एक्टर है हमारा, एक किरदार दरोगा का है जो कि वो तो रोल है ना आपका, रोल तो अपने अभिनय से जीवंत बनाया जा सकता है, अच्छा काम करेंगे तो सूर्या सिंघम से भी आगे जा सकते हैं। जी जी, उस तरह का रोल है आपका। जी जी, इसमें हमारा रोल एक घुसखोर पुलिस वाले का है। घुसखोर? जी, इस घुसखोर पुलिस वाला भी वो नेक इंसान भी है जो कि बाद में सुधर जाता है, और घुसखोरी जितना भी पैसा है अनाथालय में स्कूल में सब देता है, बाहर से लूटता है लोगों को, जो इस तरह के लोग रहते हैं करप्टेड लोगों को लूटता है और गरीबों में दान करता है, यानी एकदम रॉबिन हुड टाइप का आपने किरदार बनाया है। जी, है ना, रॉबिन हुड टाइप का। अच्छा, इसमें कोई लव ट्रायंगल है मोना? जी सर है। है ना, किस तरह का है, कैसे हीरो से मुलाकात कैसे होता है? हीरो से मुलाकात मेरी थाने में होती है, जो कि मेरी एंट्री फर्स्ट थाने में ही है, जो कि हमने सुना है कि आप पत्रकार का किरदार निभा रही हैं, तो हमारे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। जी जी जी, है ना, जी पत्रकार हैं आप फिल्म में? हाँ जी, मैं पत्रकार। वहीं पे मुलाकात होती है? वहीं पे मुलाकात होती है। तो पहले ही फिल्म में इतना चैलेंजिंग रोल, एक पत्रकार का जो काफी मुश्किल काम होता है, उसको करना किस तरह से आपने तैयारी किया उसकी? सर मेरी तैयारी नहीं, वो सब मेरे डायरेक्टर सर हैं, जो मैं कर रही हूँ उनकी वजह से सारा काम डायरेक्टर साहब समझा सर। जी जी, हम लोग बातचीत करेंगे, एक और कलाकार हैं इसी फिल्म से जुड़े हुए, जो महुआ चैनल के पहले विनर हैं, है ना, महुआ चैनल के पहले विनर हैं, लाफ्टर चैलेंज का विनर हैं ये पहले। इनसे इनका परिचय, क्योंकि मैं बहुत नहीं जानता इनके बारे में, इनसे पहले इनका परिचय जानेंगे और फिर उससे जुड़ी हुई कुछ यादों के बारे में बात करेंगे और इस फिल्म के बारे में बात करेंगे। स्वागत है आपका, क्या नाम है पहले? धन्यवाद। मेरा नाम साहब लाल धारी उर्फ इच्छाधारी, और महुआ टीवी लाफ्टर एक्सप्रेस का मैं विजेता हूँ। इच्छाधारी का क्या ये है? इच्छाधारी मतलब जब मैं लाफ्टर एक्सप्रेस करता था तो मुझे स्क्रिप्ट लिख के मिलता था कुछ और मैं स्टेज पे अपने से मैं बना करके कुछ और बोल देता था। तो ये एक कलाकार की खूबी है। हाँ, तो इसलिए जो जज थे हमारे संजय मिश्रा जी, जो हिंदी फिल्मों में उनका, हिंदी फिल्मों के जो जज थे, कॉमेडियन है, बेस्ट कॉमेडियन है, जो बोलते हैं हर पिक्चर में पा पा सचेल, तो वो जज थे, तो उन्होंने मेरा नाम इच्छाधारी रख दिया। इच्छाधारी उन्होंने रख दिया। जी। अच्छा, इस फिल्म में कैसे आना हुआ आपका? इससे पहले कितनी मूवियों में आप काम कर चुके हैं? इससे पहले मेरी 26 मूवी है। 26 जी, पवन सिंह के साथ योद्धा अर्जुन पंडित, और रवि किशन जी के साथ बैरी कंगना 2, मैंने ऐसे करके रानी चटर्जी जी के इसके बड़ा बेदर्दी है, तो तमाम 26 ऐसी फिल्में करके हैं, बड़े स्टारों के साथ हैं, और हमारे आदरणीय हमारे पिता तुल्य हैं डायरेक्टर सर, जो आर एस प्रीतम सर, सर का फिल्म है। तो मजे हुए कलाकार, आपसे तो कम गलती होती होगी, डायरेक्टर साहब की डांट कम मिलती होगी? नहीं नहीं, मैं गलती तो हमेशा करता रहता हूँ। हाँ, एक आ रही है जी, एक्टिंग में जो है गलती तो होता ही रहता है। मैं जब भी सीखूंगा, अगर 50 साल का हो गया, 70 साल, 80 साल का हो गया, तब भी सीखूंगा, और डायरेक्टर सर से ही सीखूंगा, आप लोगों से सीखूंगा। ये हमें बताइए, जब आप लाफ्टर चैलेंज में कर रहे थे महुआ पे, तो उस दौरान की कुछ ऐसी याद है जो अभी तक आपको याद है, वो ताजा है? वो याद है जब मैं ऑडिशन देने गया था, बनारस में जीवंती पब्लिक स्कूल है, वहाँ ऑडिशन में देने गया था, जब मैं वो बात सोचता हूँ तो मेरे आँख से आंसू आ जाता है। मेरा दुकान था गोलगप्पे चाट का ठेले पे, तो मैं साइकिल से लेकर भोजू भी सब्जी वो आलू लेने आ रहे थे, तो देखा बोर्ड लगा हुआ था महुआ टीवी लाफ्टर एक्सप्रेस का ऑडिशन है, तो मैं भी अपना साइकिल खड़ा किया और ऑडिशन देना चला गया। तो ऑडिशन में मेरा शाम को 7 बजे नंबर आया, 7,000 लड़के थे, 7,000 लड़के आए हुए थे, तो मेरा शाम को 4:30-5 बजे करीबन नंबर आया, मेरा साइकिल गुम हो गया था, घर गए, बहुत मार खाया मैंने, बहुत मार खाया मैंने, पहले ही दिन लाफ्टर हो गया, मेरे साथ ही हो गया लाफ्टर। तो मैं ऑडिशन देके जैसे निकला, तो 15 दिन के बाद कंपनी से फोन आता है महुआ टीवी से कि साहब लाल जी बोल रहे हैं कि, तो मेरे भाई का नंबर था, मेरे पास मोबाइल नहीं था, मैं गरीब आदमी, मेरे भाई के पास, तो उन्होंने कहा कि आप कौन, तो गरीब आदमी की पूरे हिंदुस्तान का दिल महुआ टीवी के माध्यम से जीत लिया। जी जी, आप लोगों का आशीर्वाद रहा। तो भैया के मोबाइल पे फोन आया कि साहब लाल जी से बात करना है और उनका सिलेक्शन हो गया है लाफ्टर एक्सप्रेस में। हाँ। तो भैया ड्यूटी पे थे, तो रात को 11 बजे आए, बोले आपका फोन आया था, तो उनका किस नंबर पे, तो बोले मालूम नहीं, कोई नंबर था, फोन टेलीफोन का नंबर था, 011 करके मुंबई का नंबर था। हमको ठीक, तो 11 बजे रात को फिर कंपनी ने फोन किया, तो मैं जब फोन उठाया बोले हाँ कौन, तो मैडम बोली, हमको सोचे मजाक कर रही है, बोले नहीं साहब लाल बोल रहे, जी हाँ बोल रहे हैं, तो बोले आपका सिलेक्शन हो गया, मजाक मत करिए, बताइए कौन बोल रहे हैं, कौन आप कौन है। ऐसा होता है जब कुछ चीजें अप्रत्याशित रूप से होती हैं, तो यकीन कर पाना मुश्किल होता है। जी जी। और फिर उसके बाद जब मैं विनर हुआ, फिर उसके बाद पहली बार जहाँ से डायलॉग बताएं कुछ, उस लाफ्टर शो था, काफी कॉमेडी हुई होगी, कुछ करके दिखाएं थोड़ा उस दौर का। तो उस दौर का तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ मैं आवाजें सुना देता हूँ, मिमिक्री में मैं करता हूँ 58 यानी कि 58 कलाकारों की आवाज, तो मैं 2-4-5 सुना देता हूँ। अभी मैं सेट पे हूँ लंका के फिल्म के, और हीरो साहब खड़े हैं, इनको देख करके डायरेक्टर सर को थोड़ा सा हालत खराब हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो जॉनी लीवर साहब की आवाज, जो हमारे गुरुजी हैं, हमारे गुरुजी जॉनी लीवर साहब हैं, उनकी आवाज है
क्या करे, वो अच्छा लंका फिल्म की शूटिंग चल रही है बाबा, मजा आ रहा है, सब मनोरंजन कर रहे हैं, समोसा खा रहे हैं लोग, तब माफ हो रहा है भैया, माफ लोग नहीं आ रहे बाबा। और किसी का, और जैसे हमारे नाना पाटकर साहब का क्रांति वीर, उनका डायलॉग था क्रांति वीर का, आ गए मेरे लोग का तमाशा देखने, भगवान ने क्या भेजा इंसान के कीड़े मकोड़े हो गए, हंसो। ये उनका है। और राजकुमार साहब जैसे तिरंगा फिल्म के, जानी हम ना तलवार के धार से ना गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो सिर्फ परवर दिगा से, तो ऐसे करके बहुत जानी बंदा डरता है तो सिर्फ परवर दिगा से। गोपी आगे क्या संभावना है, कहां तक जाना चाहते हैं फिल्मों की दुनिया में, आपकी तैयारी क्या है, कुछ बिजनेस वगैरह भी करते हैं, फिल्में फुल टाइम करते हैं, इसी में आगे अपना करियर बनाना है या बस इसको ऐसे ही शौकिया ले रहे हैं? नहीं, शौकिया बात नहीं है, हम यहाँ पे करियर अपना बनाने हैं और हमारे काम से गुरु जी का आशीर्वाद रहेगा और भगवान का रहेगा तो आगे ही जरूर बढ़ाएंगे। गुरु जी का आशीर्वाद रहेगा तो, है ना जी, गुरु जी की भी साख दांव पे लगी है, नए नए लोगों को लेके बना रहे हैं, है ना। हम तो भैया हमेशा नए लोगों को ही उठाए हैं और लगभग लोग सफल भी हुए हैं, बहुत सारे हमारे कम से कम हजारों से हैं। आपके बहुत सारे लोगों को आपने मौका दिया। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं। अच्छा मुन्ना, इसमें कोई आपका ऐसा कुछ डायलॉग है जिसको आप बोलना चाहते हैं, जो आपको बार बार अच्छा लगता है बोलना, कुछ इस तरह का है फिल्म कोई एक लाइन, पंच लाइन हो? जी है, मेरे कैमरामैन मोटू हैं जो कि उनके साथ मुझे काम करने में बहुत अच्छा लगता है। और आज जो हमारा सीन था वो मुझसे पूछते हैं कि उनको, मतलब मैं सूर्या को आई लव यू बोलने वाली थी, प्रपोज करने वाली थी। ये पत्रकारों का हाल है काफी परेशानी वाला है एकदम, ये क्षण काफी परेशानी वाला, इतनी खूबसूरत लड़की है और मतलब हम लोग कहाँ है भाई, सोचो जरा। नहीं नहीं, तो मेरे मोटू जी पूछते हैं जो कैमरामैन है कि बोल दिया तुमने आई लव यू, मैंने कहा नहीं रे मोटू, ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है। नहीं रे मोटू आपने बोला। हाँ। अच्छा, हमारे साथ इस फिल्म से जुड़े कुछ और लोग भी हैं जो साइड में रोल कर रहे हैं। आपके शक्ल वकल आपने एकदम गुंडो जैसी बनाए रहे, लंका में हैं आप? यस सर। है ना, कुछ एक डायलॉग बोल के दिखाएं, क्या नाम है आपका पहले ये बताएं फिर डायलॉग। मेरा नाम भगवान मौर्य है। भगवान मौर्य, काफी तेजी से मैं देख रहा था जब आप शूट कर रहे थे, काफी तेजी से लाउडली बोल रहे थे, वही डायलॉग दो रहे हैं। इस फिल्म में मुझे विलन का काम दिया गया है, जैसे मैं जो सूर्या सिंह जो सर हैं हमारे, मतलब कि जो हीरो हैं फिल्म के, वो हमको आते हैं, मतलब कि गलत काम कर रहे हैं तो उसमें आते हैं, मारते हैं पीटते हैं, तो हम जाकर के वहाँ पे बोलते हैं अपने, सूर्या आपको रोकते हैं, फिर उसके आप भी तो धमकी देते हैं सूर्या को, डायलॉग क्या है? जो सूर्या को जो धमकी देते हैं, अभी वो सीन नहीं आया है। अर्जुन सिंह का ठीका है, कौन बोल रहा था? वो बोल रहे थे उधर। कौन बोल रहा था? आप बोल रहे थे, थोड़ा बोल के दिखाओ जरा भाई, क्या नाम बताओ? मेरा नाम राहुल कुमार है। राहुल जरा वो गर्जन सिंह का ठीका है तो हमारे मूवी के इंस्पेक्टर साहब आते हैं तो मैं उनको डायलॉग मारता हूँ। अरे एक दरोगा नयाल बड़ा कहा, अरे गर्जन सिंह का ठीका, गर्जन सिंह का। आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे कलाकार परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ की जो हीरोइन है, इस फिल्म की जो हीरोइन है लंका की, मोना सोनी है, किस तरह से आई लव यू बोलती हैं सूर्या को, एक पत्रकार हैं, काफ़ी मज़ेदार क्षण है वो, हम भी देखना चाहेंगे किस तरह से उन्होंने बोला था, एक्सप्रेशन कैसे हैं। बहरहाल यहाँ पे हमने इंटायर यूनिट से बात की, सारे लोगों ने डायरेक्टर प्रीतम जी की काफ़ी तारीफ की है और कहा है कि इनके निर्देशन में हम कुछ बेहतर करेंगे और भविष्य में कुछ ऐसा करेंगे कि हम अपना मुकाम और नाम दोनों बना जाएं, कुछ बेहतर कर जाएं फिल्मों की दुनिया में, यही इनकी ख्वाहिश है। हम लगातार ऐसे लोगों से आपको मिलवाते रहेंगे और उनकी उनकी जो बातें हैं आप तक पहुंचाते रहेंगे कि उनकी ख्वाहिशें क्या हैं, उनकी मंजिलें क्या हैं, क्या देना चाहते हैं देश व समाज को, तो इन सारे लोगों की बात हम लगातार आपको पहुँचाते हैं और आगे भी लोगों की बातें पहुँचाते रहेंगे। तब तक आप ऐसे ही देखते रहिए प्यार से सीआईबी इंडिया, शुक्रिया। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।